अमेरिका, वहां मौजूद है हवाई। आपने कई बार इसका नाम सुना होगा। ये ऐसा इकलौता अमेरिकन स्टेट है जो अमेरिकी मेनलैंड से बाहर है। इस राज्य में आसमान से आफत टूट पड़ी है। 3 दिनों से लगातार बारिश ने हवाई को वेनिस जैसा बना दिया है, यानी पानी पर पूरा शहर तैर रहा है। नौबत स्टेट इमरजेंसी लगाने की पड़ गई। हवाई में बारिश ने क्या स्थिति की है, इस रिपोर्ट में समझिए। घरों के अंदर पानी की प्रचंड धाराएं निकल रही हैं और घर के बाहर सिर्फ और सिर्फ पानी। कुदरत ने इस पूरे इलाके को हाईजैक कर लिया। अमेरिका के राज्य हवाई में 3 दिनों की बारिश से हालात इतने बिगड़ गए कि गवर्नर को स्टेट इमरजेंसी लगानी पड़ गई। रोड हो या फिर रेलवे ट्रैक, यातायात के सारे साधन ठप हो गए और जिन्होंने खुद की गाड़ी से सफर का फैसला किया उन्हें पछताना पड़ा। तालाब भारी भरकम गाड़ियों को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। मोई इलाके में बरसात से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 100 साल पुराने कोपाकालुवा डैम को नुकसान पहुंचा है। इस डैम के टूटने से आसपास के कई घर जलमग्न हो गए हैं और हवाई वेनिस की तरह पानी पर तैरता हुआ दिखने लगा। 4,000 लोगों के फॉरन रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू किया गया और आसमानी मुसीबत से जूझ रहे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाने लगा। हवाई में जो लोग 50 सालों से रह रहे हैं उनका दावा है कि कुदरत ने कभी पहले इतने बड़े पैमाने पर लोगों को परेशान नहीं किया। इस बार वाकई हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सुनामी के चलते हवाई में 2 बार स्टेट इमरजेंसी लगी, लेकिन बाढ़ की वजह से ये पहली बार है। कई इलाकों में तो 18 इंच तक पानी जमा है और रह रहकर हो रही बारिश से खतरा अभी भी लगातार बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।